पाइप पाके चारों साइड तो अच्छा तो पीना पाता ताकि पानी बिल्डिंग दे बीच ना पेगा। अच्छा मतलब ऊपरों से आंधी से साथ सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं नवे दिन ते नवी वीडियो दे विच। मैं इस टाइम ढाका बंगलादेश की राजधानी। पिछली वीडियो दे विच तुसीं देखिया होना जिहड़े गुरुद्वारा साहब सीगे आपां नानक शाही जिहड़ा गुरुद्वारा जिथे गुरु नानक देव जी ते गुरु तेग बहादुर जी ने विजिट किया उस गुरुद्वारे की तुसीं वीडियो देखी। मैं दोबारा हुण उस ही गुरुद्वारे जाऊँगा। इत्थे एक होर गुरुद्वारा दूजा गुरुद्वारा दोबारा मतलब हुण खोलिया गया, पहला बंद सीगा। वो वैसे गुरु तेग बहादुर पातशाह के टाइम का ही हैगा। वो आपां तुहानूं उस गुरुद्वारा साहब के भी दर्शन करावांगे ते बाकी बंगलादेश दीआं सड़कां वगैरह तो तुसीं देखोगे नाल नाल चलदे हुए। ये मेरा होटल आ शालीमार, ठीक आ मतलब बजट के 980 टका मतलब इंडिया का 850। नमस्ते दादा, ठीक हो? अच्छा है, भालो भालो दादा, भालो दादा, ढाका यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी। चलो दादा, नज़ारे पूरे है यार। इतने रिक्शा की राइड मतलब ऑप्शन हैगी, मैं वो कर सकता जी। CNG ऑटो ये तो चल अपने भी है, अपने रिक्शे ना बहुत घट रह गए, छोटे शहरों के रह गए, बड़े शहरों का मतलब खत्म वर्गा काम ही हो गया। ई रिक्शा वगैरह तो वो सब चीज़ा चल गई अपने, तो करके जिन्हें नज़ारे लुट सकते हैं ये नज़ारा एक अलग ही एक्सपीरियंस दूगा तुम्हें, बचपन दादा ताजिया कर दूगा। ये सारिया इतने बसा ही बसा खड़ी हुई हैं, इतने सारे बस काउंटर वगैरह है, चटागोंग, कॉक्स बाजार, सिलट वगैरह, राजाशाही वगैरह बसा वगैरह इतों ही जाती हैं। इतने जिन्नी भी गड्डिया के नंबर वगैरह होंगे ना मोटरसाइकिलों के सारे बंगाली के लिखे होंगे, कोई भी अल्फाबैट मतलब एक दूए वाला भी यूज़ नहीं किया होंगे, जो इन्हों का बंगाली के आपका वो भी यूज़ किया होंगे, ठीक है। इन्हों आपकी माँ बोली बहुत ज़्यादा प्यार आता करके मतलब इतने बंगाली ही वरती जाती है हर थाने, मतलब गड्डिया के नंबर तक भी जे पर दिक्कत ही आदि। मान लो तुम आए तो कैब वगैरह बुक की जी कि मैं ता ही नहीं कर रहा, उत्थे थोड़ी गड्डी नहीं लभूगी, गड्डी आजूगी मतलब लिखे आजूगा कि हाँ भाई इदा टोयोटा जी मैं की भी सी एक दिन, पर बाद तुम नंबर ही नहीं पता लगना, उत्तर 10 गड्डिया खड़िया होनगिया, मतलब टाइम बहुत वेस्ट हो जाता। खैर लभन तो बंदा कुछ भी लभ लेंदा, तो उस तो चंगा फिर ता ही मैं क्या रक्षा बैटर आ। पर यह चीज़ मैंने वधिया लगी इन्हों का आपकी माँ बोली लैके इन्ना प्यार कि हर चीज़ बंगाली के इतने लिखी है, इंग्लिश के दूजे नंबर के मैनू हाले तक तो कोई भी इदा इतने साधन देखा नहीं है, ऑटो हो बाइक होवे गड्डी होवे कोई भी इदा की दिखी नहीं है। अंदर आ गए भी बिक्रम बाबा जी हुणां ने खोलता सीगा गेट, तो मैं क्या पहला मत्था टेक लिए फिर उस तो बाद आपां दूजे गुरुद्वारा साहब चलांगे। बंगला बाजार है, बंगला बाजार बताए, बंगला बाजार, बंगला बाजार है, बैठेगा बंगला बाजार दिख रहे थे। वही चल पे आप बंगला बाजार गुरुद्वारा साहब। गुरुद्वारा साहब का नाम की है बाबा जी? वह संगत टोला, गुरुद्वारा साहब संगत टोला, 3-3.5 किलोमीटर आ। पर रस्ते दे विच जाम तुहानू पता ही है, ढाका बंगलादेश की राजधानी, इत्थे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पर अज शायद ईद वो करके भीड़ काफ़ी घट नज़र आ रही है, पसड़ रही है। हाले तो कह रहे हैं बाबा जी भी दस रहे हैं कि 70% भीड़ घट आ, क्योंकि ईद करके लोग अपने घर से जा चुके हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं इतने, पर फिर भी देखो ये हाल आ। नॉर्मल दिनों की हाल होगा होगा तो ये समझ सकते हो, उस भीड़ तो अंदाजा ला सकते। गुरुद्वारा साहब की बिल्डिंग है जी, इतने लिखा भी हो, तारा सामने आ रही है, शायद तुम ना दिख रहा हो, गुरुद्वारा संगत टोला 1666 ईस्वी हिस्टोरिकल गुरुद्वारा, सिख गुरुद्वारा ऑफ 9th गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी।
चलो एंट्री शायद इधरों एंट्री कर दें। ये पुरातन उस टाइम का ही गेट है जी, मैं लग रहा इधर निशान साहब है जी। किधर गए बाबा जी, किधर? अच्छा इधर, अच्छा जोड़े खोलना बाहर ही। अच्छा ये है जी गुरुद्वारा साहब संगत टोला, जिथे गुरु महाराज का प्रकाश उपर है। सो ये पूरी मतलब यही बिल्डिंग है, उस टाइम की पुरानी ही बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है। तो ये पिछे बाबा जी ने जिदा दस्या भी इतने एक होर भी घर से पहला, तो वह इतने मतलब रह रहे हैं उदा ही नॉर्मली। मतलब उन्होंने तो कई पैसे दे के छुड़वा भी लिया गया, पर कई घर जोड़े हाले भी इतने रह रहे हैं कि थोड़ा अंदरों दर्शन कराने। बाबा जी इमारत उदों की पुरानी है ना, 1666 दी ही, मतलब तकरीबन 400 साल पुरानी है जी, 350 साल तो उपर हो गया। गुरुद्वारा साहब है जी, इतने गुरु महाराज का प्रकाश है। इतने फिर सवेरे शाम आते हो तुसी? नहीं जी, सवेरे ऐसे आई ना। अच्छा 12-1 बजे तक। अच्छा 2 बजे तक सुबह सुन करके। अच्छा फिर सवेरे आई ना, मतलब हर रोज़ आते टाइम दी पुरानी इमारत है। ये तो चलो हूँ थोड़ा बहुत मैं लगता है रेनोवेशन की गई है। एक मतलब माता रहती थी। अच्छा जी, उन्होंने चोला सिवाया से। अच्छा संगत टोला जी। बाबा जी ने जो दसा की माता जी रेंदे सी, तो उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी ने चोला सवाया हुआ सी। फिर जो गुरु तेग बहादुर जी इत्थे आए, तो उन्होंने जो प्रशादा पानी छकिया, तो उस तो बाद गुरु तेग बहादुर जी ने आप ही कहा कि जोड़ा चोला साढ़े लिए सवाया वो लैके आओ। फिर उस तो बाद इतने संगत जी इकट्ठी हुई, तो फिर ता करके इस गुरुद्वारा साहब का नाम है जी संगत टोला साहब। जो गुरु गोबिंद सिंह का जन्म होया से ना। हाँ जी, इसे थान पर पता लग गया। अच्छा, जो गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म होया इस थान पर से गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर सिंह। अच्छा, पता चले कि जन्म जो हो गुरु तेग बहादुर पातशाह इतने मौजूद थे, तो उन्होंने इतने ही पता लगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म जो हो। अच्छा, मतलब उपरों चाहती थी शायद। अच्छा, टीना पाती है तो पाइप ना लाता। हाँ, मतलब उपरों पानी उपर का उधर ही हो जाता बिल्डिंग। अच्छा, मतलब छत नू फिर कोई छत नू भी रेनोवेट किया गया कि नहीं? छत कुछ नहीं किया, सिर्फ ये सब लाया। ठीक है जी। अच्छा जी, मतलब पुरातन रहेगा। अच्छा, कट के दूजा पाता लोहे का। अच्छा जी। अच्छा, ये कितने लगे हुआ सीगा? शायद कैमरे नहीं देख रहा होना, पर मैं कोशिश करदा फिर भी जिन्ना देख सके। ये खुलदा भी बाबा जी? कितों खुलदा नहीं है ना। चलो कोई गल नहीं, आपां खोलना कोई एडी गल ही नहीं है। अच्छा, इधरों खुलता जी। ठीक है जी, इतों आप दर्शन कर लें। ये है जी वाहेगुरु, पुराना ही उस टाइम का जी। सो बहुत वधिया लगता जो किसी तुसी इदा इतिहासिक गुरुद्वारे पहुँचते हो, तो उत्थे जाके एक अलग जिहड़ी जानकारी आपां नूं मिलदी है, क्योंकि बड़िया इदां दीआं कई बरीक जानकारियां होंदियां जिहड़ियां आपां नूं किते भी नहीं पता लगदियां, है ना। पर वह जो तुसी उस जगह पर विजिट करते हो तो उत्थे जाके पता लगदियां, तो फिर बड़ा एक समझ सकते हो तुसी की फीलिंग जिहड़ी होंदी है ना, बड़ा वधिया फील होंदा, है ना। तो ये गुरुद्वारा संगत टोला साहब जी बहुत छोटा जिहा गुरुद्वारा, क्योंकि इहदी जिहड़ी बिल्डिंग है बहुत पुरानी, वैसे तो बहुत वड्डी बिल्डिंग है। तुसी थल्लों देखो ना, एक 2 फ्लोर पूरे है उपर तक, तो ये वो मेन गेट है जी यदा उस टाइम का ही है ना। तो आ निशान साहब, तो पर इधर जेडे घर वगैरह है, हो सकता भी इधरले घर वगैरह भी, मैं पता नहीं। बाबा जी आ घर भी गुरुद्वारा साहब के सी?
ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਜ ਘਰ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਪੰਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਆ ਪੂਰਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਸੀਗੇ ਕੁਛ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠ ਗਏ ਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਘਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਗਲਾ ਬੰਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ ਬੰਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੱਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਗਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਫਲਾਈਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਛਾ ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਧੀਆ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਢਾਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਭੀੜੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਾਕਈ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਢਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਸਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਹੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਰਾਹ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੋ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਉਮੀਦ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੱਬ ਰਾਖਾ